झिरपानी जगदा का खदान। एक समय में एक भी घर यहाँ नहीं था, आज के डेट में यहाँ ऊपर घर ही घर और यहाँ पर्वत पहाड़ जैसा ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर था। और यहाँ कहा जाता है बहुत डीप है, नियर अबाउट कहा जाता है 1700 फुट तक गड्ढा है, कोई बोलता है 700 फुट। हम लोग तो देखे नहीं, हम लोग जब देखे तब तक पानी भर चुका था। बहुत बड़ा माइंस यहाँ पर था एक समय में, और ये एक बहुत अच्छा तालाब, बहुत अच्छा वाटर रिजर्वर है, और हमेशा यहाँ से पानी, आज भी यहाँ से पानी निकलता है, पझरता है और क्षरण होता रहता है। ये देखिए, ये लिंक है पानी का, यहाँ इस पॉन्ड में जितना पानी आ जाए अपने आप इस रास्ता से देते हुए पानी जाके झिरपानी वाला झरिया में मिलता है। और यहाँ का पानी बहुत डीप ब्लैक, इतना गहरा है कि पूरा नीला नीला जल यहाँ पर है। और स्वाभाविक बात है ये बहुत लोग यहाँ पर मरते हैं, आजकल अवश्य थोड़ा सा कम है, सुसाइड पॉइंट भी बन गया था एक समय में, लेकिन आज के डेट में लोग जागृत हो गए हैं, फिलहाल यहाँ उतना लोग नहीं मरते। और यहाँ का पानी को ड्रिंकिंग पर्पज़ में भी यूज हो रहा है, देखिए वहाँ एक वाटर कलेक्शन पॉइंट है, और ये भी एक है, ये हालांकि गवर्नमेंट का था, ये बंद हो गया, टूट गया, और इसका प्रयोग अभी केवल नहाने में उपयोग हो रहा है। बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सीनरी है राउरकेला झिरपानी का, एक दर्शनीय स्थली भी है, और यहाँ पर अगर बोटिंग किया जाए तो बढ़िया होता, लेकिन बहुत डीप होने के कारण लोग डरते हैं। और यहाँ पर एक समय था जहाँ चिमनी है, यहाँ चूना का भाटी है, कलेक्शन होता है, ये टूट फूट गया है, जाने के लिए तो थोड़ा डर है, लेकिन फिर भी मैं पानी का बीच का तक जाने का कोशिश करता हूँ, डर तो मुझे भी लग रहा है, ये विपदपूर्ण। और मैं आपको एक सैंपल भी यहाँ दिखाता हूँ किस प्रकार का पत्थर यहाँ से कलेक्शन हो रहा था, ये पत्थर है, इसी के लिए मैं आया खास, इस प्रकार का वाइट स्टोन, वाइट डोलो यहाँ से संग्रह होता था। और ये बापरी भयभीत है, और पानी का स्पेशल कलर देख लीजिए कितना डीप एंड ब्लैक। और मैं भी खतरा लेके यहाँ आया हूँ आप सबको झिरपानी का ये दिखाने के लिए। कई सारे मेरे मित्र हैं झिरपानी में, मेरे गांव में मेरे साथ पढ़ते थे, तो वो लोग का रिक्वेस्ट है, हालांकि आज कोई कुवैत में है, कोई यूएसए में है, कोई दिल्ली में है, कोई बेंगलोर में है, सब कोई देखना चाहते हैं एक बार कि हमें दिखाओ झिरपानी का नज़ारा, बहुत बदल गया सुनते हैं। कई सारे गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, हालांकि आज बूढ़े हो गए होंगे, लेकिन अपने मेरे दोस्तों के साथ आके वो पॉइंट से हम लोग जंप करते थे, दैट इज़ नियर अबाउट 70 फीट, और जंप करके नदी में नहाते थे। और एक समय ऐसा था यहाँ दूर से पत्थर फेंकेंगे और फुट खेल के अंदर से जाके पत्थर गिरते गिरते नीचे तक जाके पत्थर को पैसा को उठाते थे, उस समय एक रुपया का मूल्य बहुत था। ओके चलते हैं, मेरे को भी डर लग रहा है यहाँ, ये बड़ा खतरा है, स्टील सब खराब अवस्था में आ गया है। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ। सो चलिए ये देखते हुए जाना पड़ेगा, ये हालांकि एक समय में बढ़िया था, अभी टूट फूट गया है। तो मेरे मित्र, मेरे दोस्त, ये ही है झिरपानी का खदान, डोलो माइंस। और बोलते हैं कि यहाँ जब ट्रक उतरता था नीचे तो मचिस का डिब्बी इतना बड़ा दिखाई देता था, बहुत सुंदर स्थान है। और जब भी हम लोग कभी मानसिक दुश्चिंता डिप्रेशन में है तो यहाँ पर आके पत्थर मारते हैं पानी में बैठ के शाम का समय में। और यहाँ का रिकॉर्ड है, एक मछली अंदर से निकला नियर अबाउट 1.5 क्विंटल का, तो एक आदमी ऐसे ही पॉटी बैठा था, टांगिया पकड़ के और मारा, और 1.5 क्विंटल का मछली का काट के फिर बेचा हुआ, तो इट्स अ गुड वन, वेरी गुड थिंग।
आप सब इसका ज़रूर मज़ा लें। और जो लोग देखना चाहते हैं, झिरपानी दर्शन करा रहा हूँ, राउरकेला दर्शन करा रहा हूँ, ये माइंस भरा हुआ पानी का दर्शन करा रहा हूँ, आप ज़रूर इसको देखिए। और इसका साइड वाइज साइड स्थान को भी आप ज़रूर विजुअलाइज कर सकते हैं। परिवर्तन तो बहुत हुआ है, नो डाउट, लेकिन अच्छा परिवर्तन भी हुआ है। सुंदर स्थान है और एक सिंपल विजन झिरपानी खदान, और इसका आगे है झिरपानी झरिया, उसको भी हम लोग देखेंगे राउरकेला का। और ये वाटर PSD गवर्नमेंट का अंदर से ये हुआ था पानी के लिए, लेकिन बाद में ये फिर बंद हो गया। चलिए